कोबरा लोकसभा क्षेत्र के चिरमिरी रोवन हिल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी खुद को बड़ा ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम वे खुद लेकर आए हैं। यह स्कीम थी जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भूपेश बघेल ने प्रदेश को आगे बढ़ाने की काफी कोशिशें की, इस वजह से उन पर काफी प्रहार भी हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में गरीबों के साथ अन्याय हुआ, खरबपतियों और उद्योगपतियों के साथ नहीं हुआ। बड़े बड़े भ्रष्ट नेता उन्होंने अपने पार्टी में टाल रखे हैं। एक तरफ विपक्ष को कहा जा रहा है भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं। मोदी जी तो शायद इकलौते नेता होंगे जो देश में मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं ही एक ईमानदार हूँ जो सारी दुनिया से लड़ रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। इसलिए चुनाव के समय ईमानदारी से आपके काम की बात नहीं कर सकते, ईमानदारी से आपको ये नहीं बता सकते कितनी नौकरियां दी, कितने रोजगार दिए, कितनी पाठशालाएं खोली, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने अस्पताल बनाए, ईमानदारी से नहीं कह सकते। ईमानदारी से ये नहीं कह सकते कि जो अधिकारी हैं, जो सेना में भर्ती हैं, उनके भविष्य के साथ क्या किया, पेंशन खत्म कर दिया, और जो सेना में भर्ती हैं उनको 4-5 साल की अग्निवीर का प्रोग्राम दे दिया ताकि 4 साल बाद घर आए और फिर से बेरोजगार हो जाएं। ईमानदारी से ये बात नहीं कह सकते आपके सामने, सच्चाई आपसे कभी नहीं कह सकते। ये कहते हैं कि सबसे ईमानदार है, लेकिन सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की स्कीम नरेंद्र मोदी जी इस देश में लाए।